कई ऐसे सेकुलेंट होते हैं जिनकी अधिक केयर करनी पड़ती है और हम बार बार उनको लगाते हैं और वो पौधे नहीं चल पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सेकुलेंट प्लांट दिखा रहा हूँ। इस प्लांट को यदि आप एक बार लगा लोगे तो ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। सेकुलेंट्स अपना सेल्फ प्रोपेगेशन करते रहते हैं, उनके प्लांट से अपने आप ही नए नए प्लांट बनते जाते हैं। ये जो प्लांट है इसका भी प्रोपेगेशन अपने आप ही हो जाता है और एक साथ बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए इस प्लांट को हम मदर ऑफ थाउजेंड्स या मदर ऑफ मिलियंस के नाम से जानते हैं। इसके पत्तों में देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं और ये छोटे छोटे प्लांट्स एक बार नीचे गिर जाते हैं तो उन्हीं से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इनके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं वे नीचे गिरते रहते हैं और इनसे नए नए पौधे बनते जाते हैं। हमें इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती है, ना तो हमें इन पौधों में अधिक पानी डालना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार की खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने आप ही ये पौधे गार्डन में बने रहते हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसके पत्ते का साइज़ बड़ा है और इसमें बहुत सारे पौधे एक साथ बने हुए हैं, इसीलिए इस प्लांट को हम मदर ऑफ मिलियंस के नाम से जानते हैं। पहले जो प्लांट दिखाया था उसको हम मदर ऑफ थाउजेंड के नाम से जानते हैं। मैंने यहाँ इस प्लांट को नहीं लगाया, अपने आप ही हवा से इसके छोटे बेबी प्लांट से नीचे गिर गए थे और अब देखिए एक बड़ा प्लांट तैयार हो गया है और उसके नीचे फिर अपने आप ही नए नए पौधे उग रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला हुआ है। जितना इस प्लांट को इग्नोर किया जाएगा उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बड़े पौधे के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे अपने आप ही बन रहे हैं। देखिए इसके जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं वो गिर जाते हैं और हवा से जहाँ भी पहुँच जाते हैं वहीं इनके पौधे बन जाते हैं। जब इनका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इनमें एक लंबी फ्लावरिंग स्टेम निकलती है जिसमें फ्लावर्स खिलते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है, यदि आपने एक बार इसे अपने गार्डन में शामिल कर लिया तो ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा और हजारों पौधे इसके बन जाएंगे। आपको ना चाहते हुए भी इन प्लांट्स को उखाड़ना पड़ेगा। आज जून की 12 तारीख है और तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है। तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधा लगा हुआ है। डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन भर इस पौधे पर गिरती रहती है मगर सनलाइट का इस पौधे पर कोई भी प्रभाव नहीं है। हमें अपने गार्डन में ऐसे ही प्लांट लगाने चाहिए जिनकी अधिक केयर ना करनी पड़े, बिना किसी केयर के ही ये अच्छी ग्रोथ करते रहें और इनके एक ही पौधे से कई पौधे बनते जाएं। इसी प्रकार सेकुलेंट्स की और भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जिनकी केयर कम करनी पड़ती है और एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। आप सेकुलेंट प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।